नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म। सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीर वेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों,
हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म। सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता 30 मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीर वेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात
जब हाले दिल सैड इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 9 दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता 30 मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीरवेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत, फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर 1 मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर 2 चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 3 तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं।
गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उधास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उधास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में आयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता आयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो शहीद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो शहीद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। आयूब खान विजय के रूप में, कबीरवेदी कप्तान के रूप में, शहीद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत, फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है।
गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़ें, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीरवेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत, फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास,
कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो पर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीर वेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में
रोशनी जाफरी, कविता के रूप में श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, एसपी गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर आरएस खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत, फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो पर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में आयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता आयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या आईएमए में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता आईएमए से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या आईएमए में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता आईएमए से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है
जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना, अयुब खान विजय के रूप में, कबीर बेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, एसपी गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर आरएस खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत, फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीन, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994 देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या आईएमए में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता आईएमए से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या आईएमए में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता आईएमए से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा
एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर बेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है, जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना, अयुब खान विजय के रूप में, कबीर बेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, एसपी गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत, फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता 30 मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है, जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर बेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है, जो सईद जाफरी की बेटी होती है।
विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर बेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना अयुब खान विजय के रूप में, कबीर बेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीन, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़ें, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता 30 मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं।
दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना अयुब खान विजय के रूप में कबीर वेदी कप्तान के रूप में सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में संयुक्ता सिंह सामी के रूप में रोशनी जाफरी कविता के रूप में श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी SP गौतम के रूप में गोगा कपूर ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में गीत संगीत फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले पंकज उदास कुमार शानू अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल समीन सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो मेरे महबूब की यही पहचान है मिले तुमसे बिछड़ के गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता 30 मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता संगीतकार नदीम श्रवण, प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत
त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना अयुब खान विजय के रूप में कबीर वेदी कप्तान के रूप में सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में संयुक्ता सिंह सामी के रूप में रोशनी जाफरी कविता के रूप में श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी SP गौतम के रूप में गोगा कपूर ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में गीत संगीत फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले पंकज उदास कुमार शानू अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल समीर सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो मेरे महबूब की यही पहचान है मिले तुमसे बिछड़ के गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता 30 मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता संगीतकार नदीम श्रवण, प्रदर्शन तिथियां
18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो शहीद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो शहीद जाफरी की बेटी होती है। ढालना अयुब खान विजय के रूप में कबीरवेदी कप्तान के रूप में शहीद जाफरी कमांडेंट के रूप में संयुक्ता सिंह सामी के रूप में रोशनी जाफरी कविता के रूप में श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी SP गौतम के रूप में गोगा कपूर ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में गीत संगीत फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले पंकज उदास कुमार शानू अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल समीर सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो मेरे महबूब की यही पहचान है मिले तुमसे बिछड़ के गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म। सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान
और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीरवेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों
कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म। सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है, जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है, जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है, जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है, जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीरवेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीर वेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों,
हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीरवेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात
जब हाले दिल सैड इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 दिल जब से टूट गया, युगल इस गाने के गायकार पंकज उधास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 9 दिल जब से टूट गया एकल इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता 30 मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीरवेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत, फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर 1 मेरे महबूब की इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर 2 चेहरा क्या देखते हो इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 3 तुम्हें छेड़े इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं।
गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो पर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीरवेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत, फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है।
गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो पर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। अयूब खान विजय के रूप में, कबीर वेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास,
कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो पर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में आयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता आयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है। सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना। आयूब खान विजय के रूप में, कबीर वेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में,
रोशनी जाफरी, कविता के रूप में श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, एसपी गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर आरएस खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत, फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में आयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता आयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप विजय, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या आईएमए में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता आईएमए से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या आईएमए में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता आईएमए से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है
जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना अयुब खान विजय के रूप में, कबीर बेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, एसपी गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर आरएस खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में, गीत संगीत फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था, गायक आशा भोसले पंकज उदास कुमार शानू अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी, गाने मदन पाल समीन सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं, चेहरा क्या देखते हो मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है, गाना नंबर एक मेरे महबूब की इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं, गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं, गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं, गाना नंबर चार बस एक तमन्ना इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं, गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं, गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं, गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे, इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा, धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता संगीतकार नदीम श्रवण, प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, संक्षेप विजय, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या आईएमए में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता आईएमए से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान, कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या आईएमए में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता आईएमए से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा
एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसकी भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर बेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है, जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना, अयुब खान विजय के रूप में, कबीर बेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में, बीना बनर्जी एसपी गौतम के रूप में, गोगा कपूर ब्रिगेडियर आर एस खत्री के रूप में, रघुविंदर सिंह खत्री शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत, फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता तीस मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या आईएमए में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है, जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता आईएमए से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर बेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है, जो सईद जाफरी की बेटी होती है।
विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर बेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना अयुब खान विजय के रूप में, कबीर बेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता 30 मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं।
दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर वेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो शहीद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीर बेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है जो शहीद जाफरी की बेटी होती है। ढालना अयुब खान विजय के रूप में, कबीर बेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सलामी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सलामी फिल्म, सलामी 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अयूब खान और रोशनी जाफरी हैं। इसको केवल इसके सुंदर रोमानी गीतों के लिए जाना जाता है। निर्देशक शाहरुख सुल्तान, निर्माता 30 मिर्जा, अभिनेता अयूब खान, रोशनी जाफरी, संयुक्ता। संगीतकार नदीम श्रवण। प्रदर्शन तिथियां 18 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सत माता IMA से जुड़े एक बहुत
त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है, जो सईद जाफरी की बेटी होती है। विजय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून या IMA में एक बहुत ही ईमानदार सैनिक छात्र है, जो सामी नाम की एक स्थानीय युवा लड़की से प्यार करता है। उसकी सख्त माता IMA से जुड़े हुए एक बहुत त्रासदी वाले इतिहास के कारण अपनी बेटी का हाथ देने में असहज है। इसके अलावा एक स्थानीय गिरोह का नेता भी है, सामी के लिए पागल है और बदकिस्मती से उसके भ्रष्ट अधीक्षक पिता उसके समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ विजय ने अपने बचपन में माता पिता को खो दिया। उसे मेजर रहीम खान कबीरवेदी और उनकी बेगम के रूप में नए माता पिता मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक नई युवा लड़की कविता शहर में आती है, जो सईद जाफरी की बेटी होती है। ढालना अयुब खान विजय के रूप में कबीरवेदी कप्तान के रूप में, सईद जाफरी कमांडेंट के रूप में, संयुक्ता सिंह सामी के रूप में, रोशनी जाफरी कविता के रूप में, श्रीमती कपूर के रूप में बीना बनर्जी, SP गौतम के रूप में गोगा कपूर, ब्रिगेडियर RS खत्री के रूप में रघुविंदर सिंह खत्री, शिव पूजन तिवारी कमांडर के रूप में। गीत संगीत फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था। गायक आशा भोसले, पंकज उदास, कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने एल्बम में अपनी आवाज़ दी। गाने मदन पाल, समीर, सुरेंद्र साथी और अनवर सागर ने लिखे हैं। चेहरा क्या देखते हो, मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के, गाना उस दौर का चार्टबस्टर रहा है। गाना नंबर एक मेरे महबूब की, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर दो चेहरा क्या देखते हो, इस गाने के गायकार कुमार शानू और आशा भोसले हैं। गाना नंबर तीन तुम्हें छेड़े, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर चार बस एक तमन्ना, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर पाँच मिले तुमसे बिछड़ के, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर छः जब हाले दिल हैप्पी, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात जब हाले दिल सैड, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ दिल जब से टूट गया युगल, इस गाने के गायकार पंकज उदास और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर नौ दिल जब से टूट गया एकल, इस गाने के गायकार पंकज उदास हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।